नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, दोस्तों जो जीरो से भी सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए भी डेली कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ तो दोस्तों, और जो इनको आता है उनके लिए एक बार रिवीजन हो जाता है। तो दोस्तों हम जो है सितंबर माह की जो है पूरी डे बुक, मंथ बुक और बैंक की रिकॉन्सिलेशन किस तरह से कर सकें वो सब आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से हम डे बुक क्लोज करें, मंथ बुक क्लोज करें और फिर बैंक की रिकॉन्सिलेशन करें। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, मैं सर्वप्रथम eGramSwaraj.gov.in ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है ओपन करना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें सीधे क्लिक करना है लॉगिन से। अच्छा, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमें ये डे बुक क्लोज करना है। मान लीजिए हमने ज़्यादा वाउचर नहीं बनाया तो सीधे लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से। एडमिन लॉगिन के यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से होम पेज आ जाएगा एडमिन लॉगिन का। अब हमें यहाँ पर चलेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स। पहले ऑप्शन है क्लोजिंग ऑफ बुक्स, क्लोज डे बुक पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए एडमिन लॉगिन में जहाँ तक क्लोज है दिख रहा है, उसके आगे की डे बुक हम एक एक करके क्लोज कर दें। इससे ये होता है दोस्तों, बस जल्दी जल्दी डे बुक जो है क्लोज हो जाती हैं। तो एक कर कर हम सीधे जो है डे बुक क्लोज कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो इससे दोस्तों हम जो है 29 तारीख तक की डे बुक क्लोज कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ की डे बुक हमें जो है मेकर लॉगिन से, पंचायत सचिव महोदय के लॉगिन से जो है क्लोज करनी होगी। तो ये वाली क्लोज नहीं होगी लास्ट दिन की। देखिए मैं क्लोज करता हूँ तो क्या एरर आएगी, ये देख लेते हैं हम। तो क्लोज एंड डिजिटली साइन मंथ बुक फॉर ऑल ऑनलाइन स्कीम्स फ्रॉम मेकर लॉगिन फर्स्ट एंड देन चूज क्लोज द मंथ बुक फ्रॉम एडमिन यूजर। मतलब सबसे पहले आप मेकर लॉगिन से जो है सभी ऑनलाइन स्कीम की जो है डिजिटली साइन करें और फिर जो है एडमिन लॉगिन पर आए। तो हम ओके कर लेते हैं, लॉग आउट करते हैं यहाँ से। और अब हम लॉगिन करेंगे किससे, मेकर लॉगिन से, ठीक है। तो अब हम लॉगिन करते हैं। तो अब यूज़र नेम पासवर्ड मेकर लॉगिन के डाल दिए, कैप्चा कोड डाल दिया, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर पंचायत सचिव महोदय की DSC भी लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम चलेंगे पहले पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर, ठीक है। इस पर क्लिक करा, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज। तो हम इससे पहले स्कीम वाइज दो जो भी दो स्कीम है, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन इसकी क्लोज कर लेते हैं 30/9/2023 की, और 15 फाइनेंस कमीशन की भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम 15 फाइनेंस कमीशन की जो है डे बुक को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो ये हम 30 तक जो है इससे क्लोज कर देंगे। अब हम सीधे चलेंगे डिजिटली साइन पर, ठीक है। ये ओके कर दिया, क्लोज हो चुकी है। अब हम चलते हैं यहाँ से मास्टर एंट्री, कहाँ क्लिक करा हमने, मास्टर एंट्री। इसके बाद DSC मैनेजमेंट, जो जीरो से भी सीखना चाह रहे हैं वो भी आसानी सीख सकते हैं DSC मैनेजमेंट। और इसमें सबसे आखिरी में ऑप्शन है साइन मंथ बुक फाइल, क्या है, साइन मंथ बुक फाइल। तो इस पर क्लिक करा, जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोनों आ गए हैं, 14 फाइनेंस कमीशन, XP फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन। तो पहले 14 फाइनेंस कमीशन पर साइन कर देते हैं, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद हमको टोकन पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, एंटर टोकन पासवर्ड जाएगा, जो DSC का पासवर्ड है वो एंटर कर दें यहाँ पर, और ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट साइनिंग आएगा कन्फर्म साइनिंग का, तो कन्फर्म साइनिंग पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप कन्फर्म साइनिंग पर, तो आपका इस तरह से मैसेज आ जाएगा, मंथ बुक फाइल साइन सक्सेसफुली। मतलब जो है मंथ बुक की फाइल जो है साइन सक्सेसफुली हो चुकी है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब हमारे पास बचेगा XP फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन। इस पर भी यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, रेडियो बटन पर, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, फिर यहाँ पासवर्ड लिखना है, इसका ओके क्लिक और कन्फर्म साइनिंग, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, मंथ बुक फाइल साइन सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक। अब हमें क्या करना है, अब हम मेकर लॉगिन से जो है लॉग आउट होंगे, यहाँ से हम लॉग आउट होते हैं और अब लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक किया और यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन का डाल के कैप्चा कोड लिखा और लॉगिन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या होगा, हमारे सामने इस तरह से होम स्क्रीन आ जाएगी एडमिन लॉगिन की, हमें फिर यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद हमें चलना है पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, ठीक है। तो अब हमने क्लोज डे बुक कर चुके हैं, क्लोज मंथ बुक पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, क्लोज मंथ बुक। तो इस पर क्लिक किया,
इसके बाद यहाँ आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर जैसे 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24, लास्ट मंथ बुक क्लोज कौन सी अगस्त 2023 और मंथ बुक टू बी क्लोज सेप्टेम्बर 2023, मतलब पहले इसके पहले कौन सी क्लोज करी है आपने अगस्त 2023 की, अब क्लोज करने जा रहे हैं सितंबर 2023। तो क्लोजली मंथली बुक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा कि अनक्लोज डेट कौन सी है, मतलब हमने एडमिन लॉगिन से कौन सी क्लोज नहीं करी अभी, 30/9 की जैसे 30/9 आ गया है, क्लोज मंथली बुक कर देंगे। इसके बाद लिखा आएगा डे बुक ऑफ द स्पेशल सेलेक्टेड डेट्स विल बी क्लोज, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, तो ओके पर क्लिक। तो इस तरह से पूरी मंथ बुक हमारी क्लोज हो चुकी, मैसेज नहीं आता लेकिन मंथ बुक क्लोज हो चुकी। फिर से हम यहीं क्लिक करते हैं पीरियड एंड प्रोसीजर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लोजिंग ऑफ बुक्स हम कर चुके हैं, अब हमें क्लिक करना है बैंक रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन पर क्लिक करने के बाद हम ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन ऐड, ऐड पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, बैंक ट्रेजरी पोस्ट ऑफिस रिकॉन्सिलेशन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अकाउंट टाइप, तो हम बैंक में ही खाता रहता है लगभग, तो बैंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ब्रांच नेम आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर लें। अब हर बार की तरह जो हम करते हैं मंथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन, जैसे सेप्टेम्बर आ गया, बैलेंस है इस पर कैशबुक यहाँ आ रहा है। इसके बाद हमें वही करना है, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, कुछ चार्ज लगा है तो यहाँ क्लिक करके उसकी एंट्री करना है, ठीक है। नॉर्मली अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा था, 15 फाइनेंस कमीशन में है ना सिंपल सी एंट्री रहती है, ये करके सेव करना है। इस प्रकार कुछ इनएडवर्टेंट क्रेडिट बाय बैंक अप्रत्याशित जुड़ा है बैंक द्वारा, बैंक ने जोड़ा है तो वो यहाँ अमाउंट लिख दें और यहाँ डिटेल लिख दें, एक एक करके आप बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट हुआ है, ब्याज आया तो इसमें ब्याज की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आया तो ब्लैंक रहने दें। इसके बाद कुछ अप्रत्याशित बैंक द्वारा कटा है, इन एडवर्टेंट डेबिट बाय बैंक, कुछ कटा जैसे GST कटती तो वो भी डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एज पर पासबुक, तो दोस्तों इसमें मेन अमाउंट है, इसमें क्या करना है हमें जो चार्जेस और डेबिट हुआ है उसको माइनस करना है और जो क्रेडिट और इंटरेस्ट आया उसको प्लस कर यहाँ पर लिखना, कुछ नहीं हुआ तो सेम यही अमाउंट यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रिकॉन्साइल पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से कुछ मैसेज आ जाएगा आपके पास, पूरी चीज़ें आ जाएंगी। इसका सीधे हम फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, जैसे ही फ्रीज पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा, डिटेल्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, वापस यहीं क्लिक करना है, पीरियड एंड प्रोसीजर्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, क्लोज डे बुक। अब हम देखते हैं एक तारीख की जो है डे बुक क्लोज होती है कि नहीं, हो जाती है, मतलब हमारा काम सही तरीके से हो गया है, ठीक है। तो लास्ट डे बुक क्लोज 30/9/2023, अब डे बुक टू बी क्लोज 1/10/2023, तो हम क्लोज डे बुक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आ गया है, डे बुक ऑफ 1/10/2023 हैज़ बीन क्लोज सक्सेसफुली, मतलब 1/10/2023 की जो है डे बुक सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यह पूरी प्रोसेस है बैंक रिकॉन्सिलेशन करने की, जो जीरो से भी सीखना चाह रहे हैं वो भी सीख सकते हैं, तो ये पूरा हमने देखा। इसी तरह दोस्तों और भी छोटी सी बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप शिक्षा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं सुपर थैंक्स, या ज्वाइन करिए कर सकते हैं, और मेंबरशिप भी आप ऑल पोर्टल कोर्सेज की डिटेल में जानने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।